बीते कल बुधवार को हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के सेंधवाहारी चौक पर स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को लूट का प्रयास कर दो महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी बहादुरी और पुरस्कार विफल कर दिया है। बता दें कि दरअसल तीन दिन लगभग 12 बजे तीन की संख्या में मास्क पहनकर आए लोगों को जब बैंक से बाहर तैनात दोनों महिला पुलिसकर्मियों को थोड़ा संदेह हुआ, तब उनसे उनका पासबुक या जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कहा गया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर महिला पुलिसकर्मी का हथियार छीनने लगे और उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की। आपको बता दें कि जिसके बाद दूसरी पुलिसकर्मी भी उनसे उलझ गई और एक महिला पुलिसकर्मी ने तो तीनों को हथियार कॉक कर तान दिया। बता दें आपको कि जिसके बाद पहले तो तीनों लुटेरों ने एक दूसरे को महिला की पुलिसकर्मियों को गोली दिखाई और गोली मार देने के लिए आपस में बात करने लगे, मगर इससे भी जब महिला पुलिसकर्मी नहीं डरी तो वहीं से भागने की उचित समझे और देखते ही देखते भारी संख्या में आसपास के ग्रामीण इकट्ठे हो गए हैं, जिसके कारण बैंक लूटने से बच गया। और जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस और हाजीपुर SDPO ओम प्रकाश घटना स्थल पर पहुंच गए और पूरे मामले की जांच पिन की है। बता दें कि बैंक में लगे CCTV फुटेज को भी खंगाला गया और अभी भी खंगाला जा रहा है, जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि तीन की संख्या में बैंक लुटेरे वहां पर आते हैं और बैंक लूटने की कोशिश करते हैं और महिला पुलिसकर्मी से उलझ जाते हैं और उनका हथियार छीनने की कोशिश करते हैं और साथ ही मारपीट करने की भी प्रयास कर रहे हैं। वहीं वैशाली SP ने पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है, दोनों महिला की बहादुरी को मैं मिसाल देता हूँ। बता दें कि दोनों पुलिसकर्मी मंजू और शांति दोनों को सम्मानित किया जाएगा ताकि दूसरे पुलिसकर्मियों को भी इससे प्रेरणा मिले और वहीं इसी प्रकार के बहादुरी के साथ लोगों की सेवा करें और हमेशा आगे बढ़े। क्या कुछ कह रही है दोनों महिला पुलिसकर्मी मंजू और शांति, वो सुने आप लोग। जैसे तीन लोग आए थे बाइक पर तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, जैसे हम लोग निगरानी तो करते ही बैंक का, तो हम लोग देखे कि तीनों मास्क पहन कर आ रहा है भाई, तो क्यों आ रहा है, तो हम बोले कि जो ये पूछे तो क्यों आया है, तो हम दोनों पूछे कि भाई क्यों आए हो, क्या काम है, तो बोला कि जी मैडम काम है। एक बोला काम है, दूसरा जूही बोली कि तो काम है तो पासबुक दिखाइए, तो पिस्टल टांग दिया इतना ही में, बस जूही से वो राइफल छीनने की कोशिश करने लगा, तो जूही अपना राइफल उसे बचाई, पीछे हटी उसको झटका देकर, और फिर मेरा भी राइफल छीनने लगा, बस दोनों में बकझक होने लगा, खींचा तानी होने लगी दोनों में, फिर जूही उधर भागी और जूही उन पर राइफल तान दी, कौक करने लगी, मतलब फायरिंग करने ही वाली थी कि मतलब वो छोड़कर भाग गया, और हम पूरा उससे प्रयास किए कि चाहे जो हो जाए तुमको बैंक तो लूटने देंगे नहीं और ना ही तुमको हम राइफल छीनने देंगे, और यहाँ तक क्यों कह रहा था कि इसको गोली मार दो मार दो, हम कहें चाहे जो हो जाए तुमको तो आज छोड़ेंगे नहीं, अभी तो फायरिंग करने ही वाली थी, शायद गोली भी मार देती लेकिन भाग के निकल गया, डर से भाग गया। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ कह रहे हैं वैशाली SP मनीष, वो सुने आप लोग। दोपहर 12:15 के करीब की घटना है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रथम तल पर है, सिंधवारी गांव में, सदर थाना अंदर पड़ता है, सदर महुआ रोड पर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा हथियारों के बल पर बैंक में एंट्री लेकर के लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर पहले से प्रतिनिधि दो महिला सिपाही वैशाली जिला बल के शांति कुमारी एवं जूही कुमारी के द्वारा सूझबूझ एवं निर्भीकता का परिचय देते हुए उन लोगों को घटना कार्यक्रम से रोका गया, उनसे भिड़ा गया एवं उनको वापस भागने पर मजबूर किया गया। घटनास्थल से दो बाइक्स बरामद की गई हैं और घटना को प्रिवेंट किया गया है, एक काफ़ी साहस का परिचय दिया गया है जिससे उनको उचित रूप से सम्मानित किया जाएगा बहुत शीघ्र, एवं जो अनुसंधान क्रम में हम लोग जो CCTV फुटेज एवं अन्य हम लोगों को क्लूज मिले उसके आधार पर हम इस घटना में संलिप्त अपराधकर्मियों की अरेस्टिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों महिला कांस्टेबल का सर जो आज की उपलब्धि है बहुत अच्छी, इन लोगों से संदेश क्या जाता है सर? और क्या परिचय दिया गया है, ये सम्मान की बात है और इन लोगों को साहस का परिचय है और ये बहुत ही गर्व की बात भी हम कह सकते हैं, वैशाली जिला बल की महिला सिपाही द्वारा किया गया, इनको सम्मानित। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे NBC 24।